हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडोवेस्ट किचन। आज हम इंडोवेस्ट किचन में बनाएंगे मशरूम का एक खास स्नैक्स। मशरूम को कुंभ भी कहते हैं कुछ लोग, तो मैंने इसके लिए कुछ मशरूम लिए हैं। मशरूम बहुत बड़े ना लें, इसमें छोटे ही लें। और एक शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च को धोकर चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे। ये मैंने एक शिमला मिर्च को चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। ये कुछ इस तरह के हो जाएंगे। और मशरूम को अच्छे से धो लें। अब इसके लिए हम सबसे पहले एक बैटर बनाएंगे। उसमें हम करीब 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 2 चम्मच ब्रेड का चूरा डालेंगे यानी कि ब्रेड का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून और इसको पानी के साथ हम एक बैटर तैयार करेंगे। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसको हमने कुछ इस तरह का घोला है, इसको हम साइड में रख देंगे। और अब हम ये मशरूम लेंगे। और ये मैंने कुछ टूथपिक ली हैं, छोटे वाली। इसमें अरेंज करेंगे हम। सबसे पहले मशरूम को इसमें डालेंगे, इसको नीचे तक ले जाएं, और उसके ऊपर ये शिमला मिर्च लगा देंगे। सभी में इसी तरह लगा लेंगे। ये कुछ इस तरह से हो जाएंगी। अब ये मैंने सारी इस तरह से अरेंज कर ली है। टूथपिक में पहले मशरूम लगाई है, उसके बाद शिमला मिर्च का पीस लगाया है। अब हम इस घोल को देख लेते हैं। इसको एक बार अच्छे से चलाएं। अगर आपको गाढ़ा घोल लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। मेरा ये घोल ठीक है, इसमें पानी की जरूरत नहीं है। ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल को बहुत ज्यादा गरम ना करें। अब एक मशरूम को लें और इस घोल में डुबोएं। घोल हमारा बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। हम इसको अब तेल में डाल देंगे। गैस को धीमी रखें। हाँ, तो मैं कह रही थी घोल को ज्यादा गाढ़ा भी ना रखें। अगर ज्यादा गाढ़ा रखेंगे तो इसके ऊपर इतनी मोटी लेयर जम जाएगी, मशरूम का टेस्ट ही नहीं आएगा। और अगर आप इसको ज्यादा पतला करेंगे तो तेल में हमारे सारा ऊपर का कवर निकल जाएगा। मशरूम हमारे कच्चे हैं तो इसलिए गैस को धीमी रखें, तभी सिक पाएंगे। ये तेज गैस कर देंगे तो अंदर से कच्चे मशरूम रह जाएंगे। थोड़ा सिकने के बाद इनको पलट दें। मैं अपने वीडियो में अधिकतर ये बात कहती हूँ कि आप कढ़ाई में तेल जितनी जरूरत हो उतना ही डालें। पके हुए तेल को बार बार इस्तेमाल ना करें। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है आपको तलने में, लेकिन फायदा बहुत रहता है।
इनको बाहर निकाल लें और इसी तरह से सारे तैयार कर लें। ये डिश बड़े बड़े होटल में मिलती है, शादी ब्याहों में आपने खाई भी होगी। अब मैंने सारे मशरूम कबाब तल लिए हैं, ये कुछ इस तरह के हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और इनको खाने में हमारे हाथ भी खराब नहीं होंगे। ये डिश बड़े बड़े होटलों में मिलती है और शादी ब्याह में तो अक्सर सर्व करते हैं इसको, और ये घर पर आसानी से बन सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दीजिए तो उससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो मशरूम कबाब हमारे तैयार हैं।